नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विदर्भ की बात के देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को प्रचार या प्रसार करना नहीं, कलाकार की वास्तविक परिस्थिति बताना, उसका स्ट्रगल बताना और सबसे खास बात किसी कलाकार को नज़दीक से जानना ये है। कोरोना के बाद कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई है और सबसे ज़्यादा ज़िंदगी अगर किसी इंसान की बदली तो वो है कलाकार। एक कलाकार को बहुत स्ट्रगल देखने मिला है। सबसे खास बात, सबसे पहले अगर कोई इंडस्ट्री बंद हुई तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और सबसे बाद में खुलेगी शायद तो वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही होगी। और इसीलिए इस सेगमेंट में हम नागपुर के हर छोटे बड़े कलाकार से मिलने की कोशिश करेंगे, उसकी जो जर्नी रही है, उसका जो सफ़र रहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। और इसी कड़ी में कुछ गायक कलाकार होंगे, कुछ डांसर्स होंगे, कुछ एक्टर्स होंगे, साथ ही कुछ वो लोग होंगे जो पर्दे के पीछे हमेशा होते हैं, जो कभी सामने नहीं आते। और इस कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं हम नागपुर के एक ऐसे कलाकार के साथ जिसका नृत्य जगत में अपना एक अनोखा ही नाम है। उसने अपनी शुरुआत जो है वो कॉलेज कॉम्पिटिशन से की थी, बाद में वो स्टेज शोज़ तक आया, उसके बाद में टेलीविज़न शोज़ तक आया, और सबसे खास बात नागपुर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शोज़ में जो है वो एक जज की भूमिका में भी रहा। उसके बाद इवेंट्स इंडस्ट्री में आया और उसके बाद एक दूसरे ही सेगमेंट में जो है उसने नाम बनाया। तो ऐसे धीरज मिश्रा जो है वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे पहले मेहमान होंगे। तो धीरज, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा कोरोना, पहला सवाल तो यही पूछूंगा। कोरोना जब आया तो उन्होंने, मतलब कोरोना आया तो जो ज़िंदगी चालू थी उसमें सादी लहरें थी, तो लहरें बढ़ गई, ज़िंदगी स्ट्रगल बढ़ गया। ज़िंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे, कि हम लोग पिछले 1.5 साल से घर पे ही थे और अर्निंग सोर्स पूरा बंद था। हम लोग डिपेंडेंट है, हमारा जो काम है उसमें गैदरिंग होता ही है, और कोरोना के वजह से गैदर होना बंद किया था तो हमारा टोटली काम बंद हो गया था। तो हमारा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा ज़िंदगी में अभी जो कोरोना आया। बाकी लोगों ने, कुछ लोगों का मतलब चेंज भी हुआ है, तो लोगों ने ऑप्शन थे, दूसरे काम किए। हमारे भी डांसर जगत में भी लोगों ने कुछ अदर काम किए, लेकिन कुछ लोग ऐसा था क्लास के रेंट भरना था, क्लासेस थे, क्लासेस के रेंट नहीं भरते तो छूट गए रहते क्लासेस, तो अर्निंग बंद हो गया और एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा। कई सारे लोग जानना चाहते होंगे कि धीरज की शुरुआत आखिर कब से हुई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पूत के पाँव जो है वो पालने में दिखते, बचपन से ही माँ बाप को पता चल जाता है कि अपना बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। तो शुरुआत कहाँ से रही धीरज, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे जो धीरज को जानते हों। शुरुआत कैसे हुई कि मुझे भी नहीं पता था मैं कभी कोरियोग्राफर बनूंगा या फिर कुछ डांस के फील्ड में कुछ कर पाऊँगा। मैं घर में टीवी में देख के डांस करता था, तो जो मम्मी थी, मम्मी ने देखा मुझे टीवी में देख देख के डांस कर रहा है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गणपति फेस्टिवल में उतारा था। जब मैंने डांस किया था फर्स्ट टाइम तो मेरी आँख बंद थी, मैं इतना डरता था डांस को लेके। लेकिन जो फर्स्ट टाइम डांस किया और उसका जो रिस्पांस मिला, वहाँ से मैं समझ गया कि अपन उस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकते हैं। उम्र क्या थी जब पहली बार डांस पे तुम्हारे पाँव थिरके, मतलब स्टेज पर तुम्हारे पाँव थिरके? तो मैं तब जस्ट फर्स्ट टाइम जब डांस किया मैं तब 15 ईयर्स का था, 15 साल का था मैं, और तब से मैं डांस, मतलब फर्स्ट टाइम डांस किया, फिर रिस्पांस मिला, फिर उसी में धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम लोग आगे बढ़े। मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम इन सारी चीज़ों को ना सीरियस नहीं लेते, और 15 साल की उम्र बहुत ही छोटी है, तो कब ऐसा लगा कि इसको एज अ प्रोफेशन बनाना चाहिए और इसी क्षेत्र में जो है काम करना चाहिए? एक्चुअली जब मैं करता था तब ऐसा था कि डांस ये प्रोफेशन था ही नहीं, तो घर से भी ऐसा था कि डांस में प्रोफेशन में जाके तो कुछ नहीं करेंगे, ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, तो कुछ अचीव करना है, फैमिली जो भी है अर्निंग, तो वो उस डांस के फील्ड में रह के नहीं कर सकता। तो फिर मैंने डांस छोड़ के जॉब किया, 4 साल छोड़ दिया था फील्ड, और जब 4 साल जॉब किया ना तब मुझे पता चला कि मेरा आर्टिस्ट मर चुका है और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं सोचा कि मुझे डांस के फील्ड में जाना है, भले अर्निंग कम रहेंगी लेकिन वही ज़िंदगी है मेरी। तो थोड़ा मुश्किल रहा होगा जब तुमने ये डिसीजन लिया होगा कि डांस छोड़ के, मतलब काम छोड़ के जो है मुझे वापस इस क्षेत्र में आना है, डांस में आना है, तो घर वालों का सपोर्ट था कि नहीं था? कैसा है कि जब हम लोग डांस करते थे, जब से मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ के जो कलाकार हैं उनको ये चीज़ पता है कि घर वालों ने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया तब, वो टाइम पे। वो टाइम ऐसा था कि डांस जो था वो फील्ड था ही नहीं, वो एक टाइम पास करके लोग लेते थे और उसको प्रोफेशन बनने का कोई सोच भी नहीं सकता था जब मैं करता था। फिर उसके बाद रियलिटी शो आया, हमारे टाइम में जब डांस करता था सिर्फ एक ही रियलिटी शो था, बूगी उगी,
उसमें भी अगर चले गए बहुत बड़ी बात थी। फिर क्या हुआ, ट्रेंड आया 2010 में डांस इंडिया डांस, उसके बाद जो प्रोफेशन बदला है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब डांस कर रहा था तो हम स्कूल में जाते थे कि आपका स्कूल दीजिए क्लास के लिए, तो ऐसा था कि डांसर लोग है यानी ये वर्ड सुन के लोग भगा देते थे, मतलब हमको जगह नहीं देंगे, और स्ट्रगलिंग लाइफ थी। लेकिन डांस इंडिया डांस ये चीज़ आई, उसके बाद हमारा थोड़ा सा प्रोफेशन बना थोड़ा सा। लेकिन अभी भी जैसे कोरोना में हमने देखा कि प्रोफेशन की बात होती है तो आर्टिस्ट जो है, मतलब आर्ट से रिलेटेड जो चीज़ है उसको तो कभी काउंट ही नहीं किया गया। हर चीज़ के बारे में बात हुई, जैसे फार्मर के बारे में बात हुई, वर्कर के बारे में बात हुई, आर्टिस्ट के बारे में कभी बात नहीं होती है। और आर्टिस्ट के बारे में बात भी होती है तो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के आर्टिस्ट, जैसे कि मुंबई के आर्टिस्ट के बारे में बोलते हैं। लेकिन ऐसा है कि हर सिटी में ये फील्ड है और इस फील्ड में लोग जुड़े हुए हैं। अब आर्ट से जुड़े हुए अब इवेंट वाले भी आते हैं, तो वही चीज़ बता रहा, मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा है, वहाँ पे पता चला कि हमारा प्रोफेशन बन चुका है लेकिन प्रोफेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते, गवर्नमेंट की तरफ से बता रहा, हम लोग तो सीरियस है नेचुरल। मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे मुश्किल दौर रहा होगा ये कोरोना वाला, ये तो अभी शायद ख़त्म हो जाएगा ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि वो परफॉर्मेंस याद है जब पहली बार तुमने स्टेज पे परफॉर्म किया होगा और लोगों ने तुमको रिकॉग्नाइज किया होगा? पहली बार मैं जब रिकॉग्नाइज कब हुआ, मेरे कॉलेज टाइम में, मैं पहले गणपति में ही डांस करता था। तब तक हम लोग ऐसे थे कि बस एरिया में कर रहे हैं, गणपति में चांस मिल रहा है तो ऐसे ही टाइम पास के तौर पे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने कॉलेज में डांस किया तो वहाँ से जो रिस्पांस मिला, तब मुझे पता चला कि कुछ ज़्यादा है बाकी लोगों से मुझ में। तो उसके बाद मैं थोड़ा और सीरियस हो गया, और वहाँ पर मैंने जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में परफॉर्म किया था तो वहीं पर फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट प्राइज जीता था मैं। तो चलो, मतलब जो ज़िंदगी की लाइफ जो है, मतलब ज़िंदगी जो है वो पटरी पे आ गई थी, तुमको समझ गया था कि डांस में ही हमको करियर करना। कोई भी काम शुरू करते तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं, घर वालों का सपोर्ट तो तुम्हें मिला था, तो शुरुआती दिनों में क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? अब तो तुम इस्टेब्लिश हो गए कि धीरज मिश्रा कौन है सबको पता है, तो शुरुआती दौर में क्या तकलीफ़ों का सामना? शुरुआती दौर में मेरे साथ जैसे मैं हूँ तो वैसे ही बहुत से लोगों का भी हुआ होगा। मेरा ऐसा था कि शुरुआती दौर में मेरे पास क्लास नहीं था और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा था। तो कोई भी काम हम जब शुरू करते तो प्रॉब्लम्स तो आते होंगे। अब तो तुम इस्टेब्लिश हो गए, धीरज मिश्रा कौन है बहुत सारे लोग नागपुर के जो एक क्षेत्र में सभी जानते हैं, शुरुआत में कैसी तकलीफ हुई? शुरुआत में तकलीफ ऐसी थी, जैसे फैमिली का सपोर्ट बोले तो एज अ हॉबी करके सपोर्ट था, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं उसको प्रोफेशनल बनाऊंगा। तो मुझे क्लास ज्वाइन करना था, कहीं सीखना था, तो फाइनेंशियली ऐसा था, फैमिली उतना सपोर्टिव नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ये था कि मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ, तो मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि फाइनेंशियल नहीं था। तो मैं मार्केट से CD खरीद के लाता था, जब मैं डांस करता 20 रुपीज़ की CD मिलती थी, CD में लगाता था TV में और उसके स्टेप्स कॉपी करता था और ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करता था। जब मैं ग्राउंड से आता था, मुरे पूरे कपड़े मट्टी से भर रहे थे, तो मैं वहीं पे डांस सीखा। मतलब बोल सकते हैं अगर मैं डांसर हूँ तो वो ज़मीन से बना हुआ है। क्या बात है, मतलब ये रहा शुरुआती दौर जहाँ पर क्लासेस जाने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं थे, आज तो खुद की क्लास है, कई सारे बच्चे आते हैं। ज़िंदगी कब बदली, मतलब कब लगा धीरज को कि चलो अब मुझे शादियों में कोरियोग्राफी करनी है, मुझे खुद की डांस क्लास डालनी है, मुझे खुद का जुम्बा क्लास कब डालना है, वो दौर कब आया? ऐसा कैसा था ज़िंदगी में, ऐसे दौर तो सोच के कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ करता गया और चीज़ें होती गई। मतलब मेरे जैसे लाइफ का टर्निंग बोलिए या फिर मैंने सोचा कि लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो मैं कॉम्पिटिशन में स्टेट लेवल की कॉम्पिटिशन थी उसमें फर्स्ट प्राइज जीता था, जिसमें धर्मेश सर थे जो जज थे, अब उन्होंने बोला था DID में 3 में आना है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट ऐसा था कि नहीं, जब धर्मेश सर मेरे को बोल सकते तो मैं भी अचीव कर सकता। मैंने ट्राई किया, लेकिन बोलते हैं कि हाँ किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे ऐसी लगता मैं DID तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, गुरु नहीं था, मैं खुद से हाथ पर मार मार के सीखता था, इसलिए शायद नहीं आ पाया। लेकिन वही था मेरे टर्निंग बोल सकते, वहाँ से मैं और थोड़ा सीरियस हो गया था। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है इस प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेते, जब तुम आए होगे इस इंडस्ट्री में तो चीज़ें अलग थी, अभी चीज़ें बहुत बदल गई है, क्या बदलाव लगता है पहले में और अभी? जैसे मैं जब फील्ड में आया था तब सीरियस बोले तो ऐसा था कि डांस ये निगेटिव चीज़ थी, मतलब डांसर जो थे, डांस ग्रुप बोलिए या फिर
जैसे क्लासेस है डांस क्लास, तो लोग सीरियसली मतलब निगेटिविटी लेते थे, उनका ऐसा था कि लड़कियां रहती है, मस्ती होती है डांस क्लास में, इसलिए डांस क्लास में जाने को भी नहीं देखते थे लोग, ये मेंटेलिटी थी। मतलब डांसर बोला तो एक थोड़ा सा चीप नज़र से देखते थे, लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि रियलिटी शो बोलिए या फिर चीज़ें बनती गई, तो अभी थोड़ा सा इज्जत मिलती है कंपेयर टू पहले। मतलब पहले और अभी में ऐसा है, इज्जत का डिफरेंस आ गया, थोड़ा सा इज्जत ज़्यादा मिलने लगी, मतलब लोग रिस्पेक्ट करने लगे। पहले शायद लोग जो है रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे डांसर्स की, अभी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा है कि टैलेंट का दौर बदल गया, पहले लोग अलग डांसेस करते थे, आजकल लोग अलग डांसेस करते, तो वो एक डिफरेंस क्या है? पहले जब मैं डांस करता था, पहले हम लोग जब सीखे थे डांस, तो तब ऐसा था कि हम लोग स्टेप वाइज कोरियोग्राफी करते थे स्टेप्स को लेके, और अभी जो ट्रेंड आया है अभी है म्यूज़िकल कोरियोग्राफी, मतलब म्यूज़िक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के दौर में। तो पहले और इसमें यही मुझे डिफरेंस जो दिखा है एडवांस, तो अभी रिदम बेस्ड कोरियोग्राफी ज़्यादा हो गई है, पहले स्टेप बेस्ड कोरियोग्राफी थी। जैसे बूगी वूगी के डांस देखोगे आप तो स्टेप वाइज रहते थे, म्यूज़िक पे आती थी वो, लेकिन स्टेप्स कंटिन्यू स्टेप्स वाला रहता था। अभी वैसा नहीं, अभी उसका एक एग्जाम्पल ऐसे पीयूष भगत करके, वो म्यूज़िकलिटी पकड़ता है, वो है, वो ट्रेंड चेंज हुआ है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हर किसी का कोई ना कोई एक गुरु होता है, तुमने कहा कि मिट्टी तुम्हारी पहली गुरु है, फिर भी ऐसा कोई होता है जिसके जैसे हमें बनना होता है हमारे जीवन में, तो ऐसा कोई है जिसके जैसे तुम्हें बनना है या बनना चाहते हो? जैसे मैक्सिमम डांसर्स के गुरु होंगे जो भी, मतलब है, बोलिए आप, तो मेरे भी गुरु मैं बोल सकता हूँ, मैं धर्मेश सर को देख देख के कोशिश किया कि उनके जैसा करूं, और वो जैसा म्यूज़िक पकड़ते थे उनके वजह से मुझे समझ में आया कि म्यूज़िकलिटी भी होती है, बीट्स कैसे पकड़ना है, तो उन्हीं को फॉलो कर करके मैं सीखा हूं ऐसा। बाकी तो कोई ऐसी नेचुरल गुरु नहीं था कोई, हम टीवी में देख के सीखे। मतलब जिसका आधा देश दीवाना है, आधा देश जिसका गुरु है, उसका ही उनके वही गुरु जो है हमारे धीरज के भी है, उनके भी नाम में डी है, इनके भी नाम में डी है। अगला सवाल मेरा ऐसा है कि कोरोना ने कई सारे लोगों की ज़िंदगी जो है बदल दी, कुछ लोग शायद फुल्ली डांस पे ही डिपेंडेंट होंगे, तुम्हारे भी क्लासेस थी, तो इट्स डिफ़िकल्ट, कई सारे लोग आज भी जो है ये प्रोफेशन में आना चाहते होंगे, तो उनसे क्या कहोगे तुम? प्रोफेशन देखिए, कोई भी प्रोफेशन में मतलब स्ट्रगलिंग तो रहती है, नेचुरल है, डांस में भी थी। कोरोना ने एक बहुत बड़ा धक्का दिया डांसरों को। अब कैसा था कि मेरे इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी थी, मैं जब अर्निंग करता था तो मैंने कुछ सेविंग किया था, इसी वजह से मैं सर्वाइव कर सका। तो मैं ये डांसर को कहना चाहूँगा, अगर आप अर्निंग करते हो तो उसका कुछ परसेंट बचाओ, क्योंकि परिस्थिति कभी भी बदलती है, यही उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना। तो मैं सर्वाइव कर पाया क्योंकि मेरे पास सेविंग थी। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपका जो भी अर्निंग है उसमें थोड़ा सा बचाओ, तो आप बुरे टाइम में सर्वाइव कर पाओगे। नहीं तो फिर जिसके पास सेविंग नहीं थी उनका ऐसा हुआ कि कुछ लोग सिक्योरिटी गार्ड बने डांसर, कुछ लोगों ने सब्जी के ठेले लगाए थे क्योंकि वही चीज़ें चालू थी, उसी पे उन्होंने ज़िंदगी बसर की। तो वो देख के बुरा भी लगा और दिल को ये भी लगा कि चलो हमने फ्यूचर के लिए कुछ सोचा था, उस वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। लेकिन ये एक हुआ है कि जो जमा पूंजी थी वो पूरी टोटली चली गई अभी कोरोना की वजह से, क्योंकि अर्निंग ही टोटली बंद था, तो वही वो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा। हमारे धीरज जो है बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, डांस तो करते हैं, डांस के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं। पिछले कई सालों में इन्हें एक बहुत नया शौक लगा है रैपिंग का, रैपिंग ही करते हैं, एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, इनका खुद का स्टूडियो भी है, डांस का भी है, और जल्दी आपको एक साउंड का इक्विप्ड स्टूडियो भी मिलेगा। तो कोई रैप सुनाओ, हमने सुना है रैप बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, सिर्फ एक शौकिया तौर पर करता हूँ, बहुत अच्छा बनने का टाइम है। लेकिन कैसा है कि जो शौक है, मैंने डांस से ये चीज़ें सीखा कि कोई भी आप चीज़ का शौक है आप उसमें इन्वॉल्व हो, अपने आप डेवलप होंगे। तो मैं थोड़ा सा रैपिंग करता हूँ, आप बोल रहे थे सुना देता हूँ। मैं डांसर जो भी है, जो भी स्ट्रगल में हारता है, उनके लिए कुछ वर्डिंग्स लिखे थे वही बताता हूँ। अपने जिद को तू पकड़े रहना, छोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, मंजिल का यही है रास्ता, मोड़ना नहीं मोड़ना नहीं, वो दिन तो तू लाएगा, दुनिया पे तू छाएगा, खुद पे भरोसा रख, नाम तू बनाएगा। ये बात मेरे दिल की, दिल से है निकलती, किस्मत के भरोसे भाई दुनिया नहीं चलती, दुनिया है ये आज की, पैशन से भरी हुई, एटीट्यूड दिमाग में ईगो में चढ़ी हुई, मेहनत का मोल बड़ी मुश्किल से मिलता यहाँ, आगे बढ़ने के लिए हर कोई चलता यहाँ, और तेरे साथ वाले तुझे ही दबाएंगे, तेरे बढ़ते टैलेंट को साले खा जाएंगे, दुनिया में समझता नहीं भरोसा चढ़ता नहीं, कौन तुझे खाएगा बता नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, और लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया होगा ना, ज़िंदगी के 10-12 साल जो है तुमने डांस को दे दिए, अचानक तुम रैपिंग शुरू कर रहे हो, तुम एक्टिंग भी कर रहे हो, तो क्रिटिसाइज़ भी होंगे, तो फिर कैसा लगा था? क्रिटिसाइज़ तो हुआ है, लेकिन मतलब मार्केट में ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है
जिनसे क्रिटिसाइज होके उनसे सीखा, जैसे कि वो ढिंगचाक पूजा है, वो दीपक दलाल टाइप है, उनको तो दुनिया भर क्रिटिसाइज कर दी, तो उनसे तो हम लोग, मुझे ऐसी लगता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, वो उनके जगह बेस्ट है, लेकिन उनसे ये चीज़ें सीखे कि लोग कितना भी क्रिटिसाइज करो, जो दिल में वो करते चलो, जो होगा वो देखा जाएगा। क्या बात है। वैसे क्लासेस तो अभी अच्छे चल रहे होंगे, मार्केट भी जो है वो खुल चुका है, और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं मेरे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि शूटिंग जो है वो चल रही है, तो बच्चे जो आए हैं वो देखने आए हैं, मतलब सीखने आए हैं, और उसी बहाने वो आज भी आए हैं। तो फिर अभी क्लासेस कैसे चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो धीरे धीरे खुल चुका है, क्लासेस कैसे चल रहे हैं, और क्या लगता है कि थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, क्या होगा? कंपेरेटिवली क्लासेस का ऐसा है कि अभी भी लोग नहीं, क्या डरे हुए हैं, मतलब लोग डरे हैं और गैदर होने को अभी डरे, तो कंपेरेटिव जो पहले रिस्पांस रहता था क्लासेस का उससे थोड़ा कम है, लेकिन चालू हो चुकी है, ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। स्ट्रगल तो हर किसी की ज़िंदगी में रहता है, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारा स्ट्रगल है जो हमने देखा, ऐसी कौन से दिन है जो याद करना नहीं चाहोगे, और ऐसे वो कौन से दिन है जो हमेशा याद करना चाहोगे? मैं जैसे जॉब छोड़ा, तो जॉब छोड़ने के बाद कैसा होता, कोई भी आप जॉब छोड़ो तो एक डर रहता है, तो डर के वजह से मैंने एक स्कूल में जॉब किया था, तो मेरे ज़िंदगी के सबसे बुरा दौर था वो, कि मतलब मैं सोच नहीं सकता था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो मेरी ज़िंदगी का बुरा दौर था। वहाँ पर मैं कोराडी में जॉब करता था, मैं वहाँ पर 7:45 रीचिंग टाइम था, मेरे को 7:47 पर लेट मार्क लगा था, और मेरे एक दिन की सैलरी कटी थी उसमें, और वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे जाके, जैसे मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरे दो ही पीरियड रहते थे स्कूल के, तो भी मुझे 7:30 से 4 बजे तक रुकना पड़ता था वही पेमेंट में, और जिस तरीके से मतलब डोमिनेट किया जाता था, नीचे रखते थे, वो चीज़ें बहुत बुरा टाइम था मतलब मेरी ज़िंदगी का वो। और अच्छा टाइम बोलेंगे तो अच्छा टाइम, जैसे मैं मुंबई में गया हूँ 2 बार जजमेंट के लिए, छत्तीसगढ़ में मैं कम से कम 6 बार गया हूँ नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में जजमेंट के लिए, और मैंने सह्याद्री चैनल पे दम दमादम करके चाहिए आता है शो, टीवी शो, उसका भी जजमेंट किया है, तो वो कुछ पल क्या बोलिए, मतलब वो बुरा टाइम को छोड़ के ज़िंदगी का हर पल अच्छा ही है, ऐसा है। वो एक टाइम था जब थोड़ा सा दौर में ये था नर्वसनेस, उसके बाद कभी ऐसा रहा ही नहीं। धीरज की क्लास अगर आप आते हैं, तो धीरज की क्लास जो है वो प्रताप नगर में है, और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है उत्तर दक्षिण, तो उसके बिल्कुल अपोजिट है। कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तो कई सारे अवार्ड्स जो हैं वो आपको दिखेंगे, उड़ान, विदर्भ रत्न अवार्ड, और ये जो क्लास है धीरज की आप देख सकते हैं, जितनी कॉम्पिटिशन्स में वो गया है, और इसका पहले ऐसा रहता था कि ये जहाँ भी जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए तो प्राइजेस ज़रूर जीत कर लाता था, कई सारे प्राइजेस जो है वो हम देख रहे हैं। इसमें से सबसे यादगार वाला कौन सा प्राइज है, मतलब यार ये बहुत बढ़िया, ये टफ था थोड़ा सा? टफ़ बोले तो मैं तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्राइज़ और टफ वाला प्राइज़ वही बोलूँगा जो धर्मेश सर से जीता था मैं, और मैं बोलना चाहूँगा कि तब जो था मतलब क्रेज़ बोलो डांस का और डांस कॉम्पिटिशन्स, तो लगता था कि फील्ड है, लेकिन अभी जैसे कोरोना का और एक मतलब बोल सकते हैं आप कि प्रॉब्लम हुआ है कोरोना के वजह से, कि आर्टिस्ट को स्टेज मिलते नहीं, हमारा अर्निंग चालू हुआ है लेकिन हम अभी जो आर्टिस्ट है उसको स्टेज नहीं है, हम लोग अभी YouTube पे खुद को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो कॉम्पिटिशन्स होती थी ऑनलाइन कॉम्पिटिशन होती है एग्रीड, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉम्पिटिशन जो डिफरेंस है उसका ऑडियंस को देख के स्टेज पे डांस करना, और कैसा है कोई भी आर्टिस्ट चाहता क्या है, ऑडियंस की तालियां, वो उसी से खुश होता है चाहे प्राइज़ मिले ना मिले, तो वो चीज़ हम लोग मिस हो गई है 2 साल से कोरोना के वजह से, सब बंद है तो वो बहुत सबसे ज़्यादा मिस करते हैं हम उस चीज़ को, कि कंपटीशन तो होना चाहिए, वो एक कैसा है हर आर्टिस्ट बोलो या फिर मैं खुद के बारे में बोलूँगा, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे नई नई चीज़ें करना पसंद है, तो नई चीज़ें करने के लिए वो एक रास्ता है मेरे पास मंजिल, जो कॉम्पिटिशन होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि नई अपॉर्चुनिटी नया कुछ करना, वो चीज़ मिसिंग हो गई है ज़िंदगी से अभी। धीरे जी नहीं, आप किसी भी कलाकार के घर जाएंगे, उसके ऑफिस जाएंगे, उसके क्लास जाएंगे, जनरली डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, तो ऐसी कई सारी ट्रॉफीज़ जो है ना वो आपको दिख जाएगी, कि वो उसकी मेहनत जो है वो बताती है कि वो कितने साल से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और ये ट्रॉफीज़ पैसे से नहीं मिलती, आपको मेहनत करके ना जीतनी होती है। आखिरी सवाल पूछूंगा, बहुत लंबा समय तय करना है, अभी बहुत दूर जाना है, अभी तो बस शुरुआत है, कोरोना जैसे तो कई सारे पड़ाव आते रहेंगे, चुनौती आती रहेंगी, फ्यूचर में क्या करने का प्लान है, आगे क्या सोचा है? सिंगिंग तुम कर रहे हो, रैपिंग तुम कर रहे हो, डांस तुम करते हो, एक्टिंग भी तुम कर रहे हो, वॉइस ओवर्स भी तुम कर रहे हो, और कुछ नया करना है कि कुछ करने का है और प्लानिंग?
मैं इन फ्यूचर सोचा है कि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता हूँ, रैपिंग मैं शौकिया तौर पे करता हूँ, और मैं वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ और कोरियोग्राफर तो हूँ। तो मैं इस सब का सोर्स पे जाने की सोच रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर सोच रहा हूँ कि मूवी बनाऊँ। मैं फोकस मेरा यही है कि जैसे अभी सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि कोरोना ने और एक चीज़ कह दी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उसमें कैसा है कि कोई भी बंदा ऑनलाइन में कभी भी उठ सकता है। जैसे अभी एक बच्चे का गाना जैसे हिट हो गया तो वहाँ से सोशल मीडिया के थ्रू उठा। अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो वो टैलेंट गुम रहता। तो वही एक चीज़ को अपॉर्चुनिटी लेके मैं सोच रहा हूँ कि मैं मूवी बनाऊँ। हो सकता कि हम लोग बहुत अच्छा भी करें या हो सकता ना भी करें, लेकिन जो दिल की इच्छा है वो करेंगे, मूवी बनाएंगे, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। ज़रूर, और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब ये इंटरव्यू शुरू करने के पहले कि धीरज जो है वो मल्टी टैलेंटेड है और फ्यूचर में इसका सपना है कि फिल्म बनाए, तो हम चाहते हैं कि ज़रूर तुम्हारा ये सपना जो है वो पूरा हो। स्ट्रगल तुम्हारा कभी ख़त्म ना हो, स्ट्रगल चलता रहे, क्योंकि मैंने किसी बड़े से सुना है कि जब तक स्ट्रगल करते रहोगे तो लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे। तो तुम्हारा स्ट्रगल चलता रहे, जो तुम जो भी चाहो ज़िंदगी में अचीव करो, और उसके लिए हमारे VKB न्यूज़ परिवार की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोला, और स्ट्रगल जैसा आप बोले कि स्ट्रगल चलता रहे, ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं, मेरी सोच है ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है मतलब आप ज़िंदा नहीं हो। तो स्ट्रगल ये चीज़ मुझे ऐसी लगता है एज अ आर्टिस्ट, स्ट्रगल ये चीज़ कुछ नहीं है, ये सब अपनी सोच है, बस आप नए नए चीज़ें करते जाओ, नई चीज़ें सीखना डिफिकल्ट है, उसी को नाम दे दिया स्ट्रगल। क्या बात है, मौसम बहुत अच्छा है आज, और मेरे कैमरामैन राजेश ने बता भी दिया कि आज बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह 12 बजे का इंटरव्यू शेड्यूल किया था हमने और करते करते देखिए अंधेरा जो है वो हो गया है। ऐसे ही हमारे नागपुर में बहुत सारे कलाकार हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नेशनल स्टेज तक पहुँच गए, कुछ इंटरनेशनल स्टेज तक पहुँच गए, कुछ आज भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप भी एक कलाकार है, कला ने आपको आकार दिया है और आप हमारे ज़रिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप हमें सीधे मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आपको पता है मैसेज बॉक्स में ही जाना है। प्रोग्राम पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक कीजिएगा, यूट्यूब का चैनल है सब्सक्राइब करिएगा। चैनल से याद आया, हमारे धीरज का भी यूट्यूब चैनल है, धीरज के रैप्स कैसे हैं, धीरज डांस कैसा सिखाता है, धीरज एक्टिंग कैसा करता है, तो ये सारा अगर आप देखना चाहते हैं तो धीरज का खुद का यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप विजिट ज़रूर कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू अमल, जो आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी इंटरव्यू लेने के लिए। मुझे ऐसे लगता मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, लेकिन ठीक है आप आए तो अच्छा लगा, बहुत दिल को अच्छा लगा। वो कहते हैं ना, वृक्ष जितना बड़ा हो उतना झुका हुआ होता है, ऐसे ही बड़े कलाकार ऐसे ही बोलते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।